weight loss plateau या stagnant weight, यानी पूरी कोशिश करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब जो आप डिज़ायर वेट लॉस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं या फिर बिल्कुल वेट लॉस नहीं कर पाते हैं और आपका जो वो वेट लॉस की जर्नी होती है वो एक तरह से रुक सी जाती है, स्टिल हो जाती है। एंड ये वो पीरियड होता है जब यू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट आम आई डूइंग रॉन्ग, अभी तक तो मेरा वेट लॉस हो रहा था, अब क्या हो गया ऐसे। सो वेट लॉस प्लेटू यानी स्टैग्नेंट वेट लॉस या नॉट हैविंग दैट डिज़ायर वेट लॉस आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जब आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या उसके कॉज हो सकते हैं और उससे आप कैसे निकलें, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन मंजू मलिक। सो वेट लॉस प्लेटो के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ काफ़ी नोन है लेकिन कुछ जो हैं वो काफ़ी नॉट सो नोन है और लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स पे पहले नज़र डालते हैं और फिर बात करेंगे कैसे आप इससे उभरें और अपने वेट लॉस की जर्नी को फिर से ट्रैक पर लेकर आएँ। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, डाइट डिफ़ॉल्ट यानी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं आपकी डाइट के अंदर। 70% डाइट जो है वो रोल प्ले करती है आपकी वेट लॉस जर्नी में, आपकी फिटनेस की जर्नी में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई आपकी बॉडी के अंदर। अनस्ट्रक्चर्ड वर्कआउट, या तो आप अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं या ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर किसी और तरह की आप मिस्टेक कर रहे हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वेट लॉस कर रहे हैं उसके दौरान आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, उससे पहले अच्छा हो, और ऐसा पॉसिबल है, कैसे मैं बताऊंगी आपको। इम्प्रॉपर स्लीप, आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो पहले उससे आपको ठीक करना होगा। वाटर रिटेंशन, मसल लॉस और फैट लॉस, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए क्योंकि फैट लॉस इज़ व्हाट यू शुड एम फॉर, मसल आपको गेन करनी होती हैं वहाँ पर। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो फैट बर्निंग हार्मोन्स होते हैं, अगर वो अच्छी तरह काम करेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। बेसिकली कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं आपकी डाइट में जिसकी वजह से आपका वेट लॉस प्लेटू हो गया है। सो सबसे पहले बात करेंगे डाइट की। डाइट मिस्टेक्स, क्रैश और फैट डाइट्स, जो ये बिल्कुल लो कैलोरी डाइट्स होती हैं, वहाँ पर आपकी बॉडी जो होती है वो शुरू में तो वेट लॉस करेगी लेकिन आगे जाके ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी वेट लॉस जैसे ही आप दोबारा नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो वो रुक जाएगा। सो फोकस ऑन न्यूट्रिशन रेदर देन जस्ट कैलोरीज। ओवर ईटिंग हेल्दी फूड, हम सब जानते हैं ओट्स हेल्दी होते हैं, हम सब जानते हैं नट्स हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर आपको पोर्शन उसका कंट्रोल करना नहीं आएगा तो वो वेट लॉस नहीं होने देंगे। बहुत ज़्यादा लगातार खाते रहना भी ठीक नहीं है, फिक्स इंटरवल्स पे खाना चाहिए। ईटिंग हेल्दी फैट इन मॉडरेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू लूज वेट। ईटिंग टू मच प्रोटीन, ना ये भी आप कहेंगे प्रोटीन तो खाना ही चाहिए अगर वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक मील के अंदर 50 ग्राम जैसे प्रोटीन खा रहे हैं, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपकी बॉडी को आपकी मसल्स को जितना चाहिए वो ले लेगा लेकिन बाकी जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी उसको एज अ फैट उसको स्टोर करेगी लिवर के अंदर। और जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी किडनी पर आपकी लिवर पर प्रेशर डाल सकते हैं। तो एक बार इतना ज़्यादा प्रोटीन खाने के बजाय आप उसको अपनी पूरी मील्स में स्प्रेड करें, दैट इज़ दी बेस्ट थिंग टू कंज्यूम प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट इज़ ओवर इंडल्जेंस ऑन चीट डे। मैंने देखा है पूरे हफ्ते ऐसे मर मर के खाना और फिर एक दिन जब आपने चीट डे रखा है तो पूरी मील्स में, तीनों के तीनों मील्स में, मेन मील्स में, यहाँ तक कि स्नैक में आप अनहेल्दी खाने की कोशिश करते हैं जस्ट टू मेकअप फॉर वट एवर यू हैव डन। सो मेरा जो सजेशन है कि हैव अ चीट मील रेदर देन अ चीट डे। एक्सेसिव अल्कोहल, कैफीन, सॉल्ट और शुगर, ये सारी चीज़ें भी आपके वेट लॉस की जर्नी को रोक सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मार्केट की जाती हैं कि ये हेल्दी है, ये ड्रिंक पी लो आप, या फिर ये आप खा लो, स्नैक्स बहुत हेल्दी हैं, दे आर बेक्ड, दे आर लो शुगर, दे आर लो फैट, बट एक्चुअली दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू। अगर वो लिखा है शुगर फ्री है तो मे बी उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस ऐड किए हैं विच इज़ वेरी बैड फॉर योर लिवर एंड फॉर योर ब्रेन। अगर लो फैट है तो उसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे,
या फिर उसे लो फैट को टेस्टी बनाने के लिए पता नहीं कौन कौन से एडिटिव्स उसके अंदर ऐड किए होंगे, तो प्लीज़ ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड लेबल्स। और अगर इससे पूरी तरह बचना चाहते हैं तो जितना आप नेचुरल फूड खा सकें, जो सीधा आप जैसे ग्रेन्स हैं होल वेजिटेबल्स हैं, होल फ्रूट्स, उस पर ध्यान दें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, ये डेफिशिएंसीज़ कुछ बहुत कॉमन मेरे को देखने को मिली हैं आजकल। विटामिन बी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, डी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो कुछ छोटे सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं, जितना से जितना हो सके वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, फैट खाएं मॉडरेशन में, स्पेशली ओमेगा 3 हमारे डाइट से मिसिंग होता है। जो भी हम ऑयल यूज़ करते हैं, इट इज़ रिच इन ओमेगा 6 and 9, लेकिन 3 नहीं होता है, और 3 बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। तो फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स और फैटी फिश या फिश ऑयल अगर आप ले सकते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ लिखे हैं। B12 जो है वो एनिमल प्रोड्यूस से मिलता है, जो वेगन्स हैं या जो वेजिटेरियंस हैं, वेगन्स के लिए स्पेशली आई थिंक दे शुड हैव टू ऑप्ट फॉर सप्लीमेंट्स, अदरवाइज जो वेजिटेरियंस हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। फिर उसके बाद गुड कॉम्बिनेशन पर ध्यान दें। गुड कॉम्बिनेशन मतलब कई बार हम कुछ ऐसे फूड खाते हैं जो दूसरे फूड के न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हैं। जैसे अगर आप खाने के साथ चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उससे आयरन का अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम और यहाँ तक कि प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन लो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। साथ ही अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने का कोशिश करें, प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में इंक्लूड, खाना स्लो खाएं। आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, जब उसको चबा चबा कर आप खाते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया आपके सलाइवा के ज़रिए आपके अंदर जाते हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्दी कि आप अपने खाने पर ध्यान दें, किस तरह खाना है उस पर भी। स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं आपकी बॉडी में फ्लूइड से होते हैं। तो डाइट जो होती है वो 70% तक रोल प्ले कर सकती है आपकी वेट लॉस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है डाइट, लेकिन आप एक्सरसाइज को भी नहीं नज़रअंदाज कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है ना सिर्फ वो एक पुश देती है आपके वेट लॉस की जर्नी को, बल्कि जब आप वेट लॉस कर रहे हैं यू वॉन्ट योर बॉडी टू स्टे फिट। आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को रिजुनेट करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ के साथ साथ एनर्जी, बेसिकली यू गेट एनर्जाइज, रिफ्रेश होती है आपकी बॉडी एक्सरसाइज करके, और साथ ही फिटनेस। आप वेट लॉस का गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज एम फॉर फिटनेस। आप अपनी बॉडी को फिट रखने पर, ना कि सिर्फ स्लिम रखने पर जोर दें। सो एक्सरसाइज में कौन कौन सी आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे आपका वेट प्लाटो हो सकता है या फिर रुक सकता है वेट लॉस होना, उसके बारे में बात करते हैं। सो नंबर 3 पर आता है अनस्ट्रक्चर्ड वर्कआउट। तो वर्कआउट में एक्चुअली मेरा जो मानना है कि प्लान इट, हमेशा वर्कआउट को ज़रूर प्लान करें, बिकॉज इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी एंड सक्सेस वेट लॉस में। सो क्या गलती आप कर सकते हैं, यू डूइंग टू मच कार्डियो, यानी आप जाते हैं जिम के अंदर, बहुत ज़्यादा साइकिल करते हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, आप रोइंग करते हैं, क्रॉस ट्रेनर पे काम करते हैं, बट यू डोंट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रेसिस्टेंट ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको कहीं एरिया पर काम करना है अपना, देन अपना रूटीन चेंज करते रहिए, नई नई चीज़ों को ट्राई कीजिए। आप योगा ट्राई कर सकते हैं, स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, आप साइकिलिंग जा सकते हैं, बाहर जाइए, जिम से बाहर निकलिए, आप नॉर्मल रन के लिए जा सकते हैं कभी कभी। इंटेंसिटी को बढ़ाइए, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्कआउट कर रहे हैं, रिकवरी नहीं कर रहे हैं, तो आपके एड्रिनल स्ट्रेस हो सकता है आपको। अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। हार्ट रेट पर ध्यान दें, यू ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट, एंड ट्राई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक न्यू फंडा है, लेकिन हाँ, इसके दौरान कई लोग स्किप कर देते हैं वार्म अप करना, सो दैट कैन लीड टू इंजरी। सो वेन एवर यू डूइंग HIIT ट्रेनिंग, तो अपना टाइम दीजिए वार्म अप के लिए अपनी बॉडी। डाइट से ही रिलेटेड है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्लो हो गया है, जी हाँ ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर आपका वेट लॉस जो है वो सिर्फ लो कार्ब या फिर लो कैलोरी डाइट पर है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अगर इवन ठीक ठाक है तो वो स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस की जर्नी भी स्लो हो जाएगी। स्लो मेटाबॉलिज्म, और स्लो मेटाबॉलिज्म आपके वेट लॉस के जर्नी के दौरान भी हो सकता है, इफ़ यू आर ओवर एक्सरसाइजिंग एंड अंडर ईटिंग, यानी आपकी एक्टिविटी लेवल काफ़ी बढ़ गई है लेकिन आपका कैलोरी आपने बिल्कुल लो कर दी है। ओवर ईटिंग एंड लो एक्टिविटी लेवल, आप सोच रहे हैं कि अपने हिसाब से आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको हेल्दी खाना चाहिए, तो आप ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन आपकी एक्टिविटी लो है, अभी भी उसका लेवल काफ़ी कम है, एनर्जी लेवल लो है,
एनर्जी लेवल क्यों लो है? क्योंकि आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप वर्कआउट ठीक नहीं कर रहे हैं, यू आर ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, अभी भी आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड यू आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट स्लीप. अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके मेटाबॉलिक रेट पर पड़ेगा, आपके हार्मोन्स के लेवल पर पड़ेगा. इसकी वजह से आपके जो फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं वो लो हो जाएंगे, आपके हंगर हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, अल्टीमेटली आपका वेट लॉस की जो जर्नी है उस पर हॉल्ट लग जाएगा. सो 7 to 8 hours की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसफुल स्लीप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी. और ये एक साइन भी है कि आपका जो आपका फिटनेस लेवल है वो अच्छा हो रहा है. अगर आप 8 hours की नींद आराम से ले पा रहे हैं बिना डिस्टर्बेंस के, यानी आपका फिटनेस लेवल भी अच्छा हो गया है. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है किसी भी तरह का हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है. वैसे उसका काम होता है कि स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करना, आपकी बॉडी को स्ट्रेस से, उस धक्के से बचाना. लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो आपका फैट बॉडी में बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, आपके ऑर्गन्स को बचाना. तो वो आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा करने लगता है सारे ऑर्गन्स को बचाने के लिए, स्पेशली बेली फैट, क्योंकि वहाँ पर लिवर, किडनी सब कुछ होती है. सो और ये हार्मोन बहुत स्ट्रांग होता है वुमेन के अंदर, इसीलिए उन्हें बेली फैट भी ज़्यादा होता है अगर उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है. तो अगर आप वेट लॉस चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, तो आपको स्ट्रेस लेवल भी कम करना होगा. सो नेक्स्ट इज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, PCOD, PCOS, अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इनकी शुरुआत उसी से होती है. सो अगर आप अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हैं तो आपको इन्हें भी रिवर्स करने की कोशिश करनी होगी. और अल्टीमेटली ये होगा क्या, ये कैसे होगा, ये होगा जब आपने अपना वेट लॉस करेंगे, जब आप हेल्दी रहेंगे, जब आप फिट बनेंगे. तो एक ये वैसा वर्षा है, अगर आप इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपका वेट लॉस होगा. कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. वाटर रिटेंशन. ना वाटर रिटेंशन से भी आपकी वेट लॉस जर्नी रुक सकती है. और इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप स्टे हाइड्रेटेड. जैसे मैंने कहा, सारे जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस होते हैं वो फ्लूइड से होते हैं, तो हाइड्रेट रखें. एक्सेसिव वाटर भी नहीं पीना चाहिए, 4 to 5 liters पानी, वो भी ठीक नहीं है. लेकिन 35 ml मल्टीप्लाई बाय पर kg ऑफ योर बॉडी वेट आपको पानी पीना ही चाहिए, दैट इज़ गुड. सॉल्ट की इनटेक कम करनी है आपको. ईट फूड विच इज़ रिच इन पोटेशियम, क्योंकि उससे सोडियम बैलेंस होगा. मैग्नीशियम एंड फूड्स रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हाइड्रेट रखें आपको. वाटर रिटेंशन जो है वो कब होती है, जब अगर आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी पानी को इकट्ठा करना, जमा करना शुरू कर देगी. नाउ कई बार क्या होता है कि आपको लगता है स्केल पर वेट लॉस दिख नहीं रहा है, लेकिन आपका फैट लॉस हो रहा है और मसल गेन हो रही है, तो इसीलिए वो स्केल पर दिख नहीं. आप देखेंगे एक फ़ोटो में, आप देखेंगे जहाँ पर येलो डॉट्स हैं वो फैट है आपकी बॉडी के अंदर. यहाँ पर आपका बॉडी के अंदर फैट स्क्वीज हो रहा है, फैट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन साथ ही आपके देखेंगे स्ट्रक्चर सेम है, यानी आपकी मसल वहाँ पर गेन हो रही हैं. सो आपका वेट लॉस वही रहेगा, क्योंकि आपका लीन वेट बढ़ा है, यानी आपकी बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, ब्लड, स्किन, नेल्स, हेयर, ये सारी चीज़ें लीन वेट के अंदर आती हैं. आपको अपने आपकी फैट का वजन कम करना है आपकी बॉडी के अंदर. लीन वेट आपको बढ़ेगा तो अच्छा है, आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, आपकी बोन स्ट्रांग होंगी. सो ये डिफरेंस आपको देखना है. कई बार वेस्ट साइज कम होता है तो देखेंगे थोड़ा सा वेस्ट आपका कम हो गया है, लेकिन आपका स्केल पर वजन कम नहीं हुआ. सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर वेट दोनों फिगर्स के अंदर सेम है, 80 kg 80 kg, लेकिन बॉडी फैट में डिफरेंस है. सो 20 यहाँ पर है बॉडी फैट, बाकी जो है वो लीन वेट है, और यहाँ पर बॉडी फैट ज़्यादा है, दैट इज़ 35%. तो ये पैरामीटर भी आपको ध्यान में रखना होगा. सो मे बी यू नॉट लूजिंग वेट, बट यू लूजिंग इंचेज, यू लूजिंग फैट एंड गेनिंग मसल्स एट द सेम टाइम. ये हार्मोन आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये फैट बर्निंग हार्मोन है. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रांग रखता है, हमारी बॉडी में एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जितना आपकी बॉडी में बनेगा उतना अच्छा है. कैसे बनता है, हेल्दी डाइट से बनता है, एक्सरसाइज से बनता है. हंगर हार्मोन, ये लेप्टिन और ग्रेलिन करके दो हार्मोन होते हैं, दोनों जुड़वा भाई की तरह होते हैं. एक आपको सेटिस्फाइड फील कराता है, एक आपको
हंगरी फील कराता है. तो इन्हें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. हेल्दी डाइट से होगा ये भी. एड्रेनलिन जो है एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ज़्यादा बनता है. साथ ही अपने आप को जब आप चैलेंज करते हैं, यानी जब आप एक अच्छी रन करके आते हैं, आप एक्साइटेड फील करते हैं उसके लिए, तब ये बनता है. सो इसे भी आपको हाई रखना है. एडिपोनेक्टिन जो होता है हेल्दी फैट खाने से आपकी बॉडी के अंदर आता है. तो हेल्दी फैट इन मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस. आयरिसिन एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो कम करने के लिए इसका जो ऑपोजिट हार्मोन होता है वो होता है ग्लूकोगॉन. वो भी आपकी बॉडी में जितना बनेगा उतना अच्छा है. इस पर मैंने पूरी वीडियो अलग से बनाई है फैट बर्निंग हार्मोन्स के ऊपर. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो कैसे ये हार्मोन्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं वो भी आपको वहां से पता लग जाएगा. सो एक सिंपल सा मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. ऑलवेज फोकस ऑन गेनिंग फिटनेस, नॉट जस्ट लूजिंग वेट. वेट लॉस यस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ. ऑलवेज एम फॉर गेनिंग एनर्जी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, गुड स्लीप, पीस ऑफ माइंड. ये एक्चुअली आपकी फिटनेस के पैरामीटर्स होने चाहिए, साइन होने चाहिए कि आप फिट हैं. अगर आप अच्छी तरह सो पा रहे हैं, आप बहुत शांत हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, आप अच्छी तरह सारे काम कर पा रहे हैं अपने घर के या बाहर के, दोज आर द साइंस कि आप फिट हो गए हैं. मोस्ट वुमेन जब वो वेट लॉस के लिए कोशिश करती हैं, वो सिर्फ वेट पर ध्यान देती हैं, और इसीलिए वो कुछ गलत चीज़ें जैसे कि खाना बिल्कुल बंद कर देना, उससे होता क्या है, इट इफ़ेक्ट्स ग्रेटली ऑन देयर साइकिल. सो उनको तो बिल्कुल क्रैश डाइट करनी ही नहीं चाहिए. फीमेल्स को तो क्रैश डाइट, और फीमेल ही ज़्यादा करती हैं, क्योंकि मेल को तो जब मसल बनानी होती है वो तो खाना ज़्यादा खाते हैं जब वो अपने फिटनेस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं. फीमेल्स ऑन कॉन्ट्रैरी वो हमेशा खाना कम करने की कोशिश करती हैं. इससे होता क्या है, हार्मोन्स आपकी बॉडी में इफेक्टेड होते हैं और आपकी मंथली साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हैव रियलिस्टिक गोल्स. मुझसे लोग पूछते हैं कि हाँ महीने में 10 किलो कम कर सकते हैं, 15 किलो कम कर सकते हैं. एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगी, एक इंसान एक साल के अंदर 12 से 18 जो उसकी बॉडी में फैट है परसेंट, वो कम कर सकता है. यानी अगर आपका 100 किलो वज़न है तो आप 85 तक एक्सपेक्ट कीजिए. वो रीज़नेबल है और वो सेंसिबल भी है, वो रियलिस्टिक गोल है. ठीक है, डोंट फॉल फॉर क्विक वेट लॉस ट्रिक्स. ये फैट बर्नर ले लो, ये ड्रिंक पी लो, ये पिल्स खा लो, ये क्रीम लगा लो अपने स्टमक के ऊपर, मे बी और मे नॉट उनसे आपको रिजल्ट मिले. फास्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे आपकी हेल्थ ज़रूर डैमेज होगी और वो वापस आएगा वज़न. सो आप चाहते हैं हेल्दी वे में, तो सही सीधा रास्ता, शॉर्टकट्स के बजाय सीधा रास्ता अपनाएं. हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें, एक लाइफस्टाइल हेल्दी बनाएं, हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं, तो वेट लॉस होगा ही होगा, आप फिट रहेंगे ही रहेंगे. तो ये तो बात हुई फैक्टर्स की, इनके साथ साथ हमने इनके कैसे आप इससे रिकवर करें उसके बारे में भी बात किया. तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगा, आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून. बाय बाय.